चंदो मुजफ्फरनगर में अब की दफा कावड़ यात्रा में अलग अलग तरह की कावड़ देखने को मिली। युवाओं में कावड़ लाने का बड़ा क्रेज रहा। आपको बता दें चंदो मुजफ्फरनगर में अब की दफा जटाधारी और शिखार रखकर कावड़ लाने युवकों का बड़ा चलन है रहा है। लंबी लंबी जटाएं शिखार रखकर युवा कावड़ लेकर आ रहे हैं। युवाओं ने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर हम सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं। हमारा देश सनातन धर्म का अनुयायी रहा है। युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति छोड़कर सनातन धर्म की ओर लौटना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा युवाओं पर बनी रहे, इसलिए युवा लंबी लंबी जटाएं और शिखा भी रख रहे हैं। युवाओं ने बताया कि भगवान शंकर साधु संत ही जटा रखते हैं, लेकिन अब हम लोगों में भी अपने देवताओं और साधु संतों की तरह जटा रखना अच्छा लगता है। विशा चौधरी, इसे क्या करती हो? मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हूँ, कौन सी क्लास में? मैं MG वर्ल्ड विजन में डांस टीचर हूँ। अच्छा, जैसे आप कावड़ यात्रा चल रही है, 2 साल बाद शुरू हुई है, तो कैसा लग रहा है आपको? कावड़ यात्रा 2 साल बाद निकली है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम डेली आ रहे हैं देखने कावड़ यात्रा को, हम बहुत मजे से इंजॉय करते हैं फुल। हमें बहुत आनंद आता है जब हम कावड़ियों को देखते हैं, हमें लगता है कि हाँ, हमारी संस्कृति दोबारा निकल के आ रही है। बीच में एक बार बंदी हो गया था। आपके द्वारा डांस किया है कावड़ यात्रा? हमने भी थोड़ा सा डांस किया, हमने थोड़ा सा शिव जी को मनाने की कोशिश की अपने डांस के थ्रू। अच्छा, आप लग रहा है इस्कॉन, आप भगवान दर्शन? हाँ जी, हाँ जी, मैं इस्कॉन को फॉलो करती हूँ। तो जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता है, तो क्या हमारा युवा सनातन धर्म की ओर लौट रहा है? लौटना चाहिए, बिल्कुल लौटना चाहिए। अपने सनातन धर्म का सबको पता होना चाहिए, हमारे यंगस्टर्स को तो स्पेशल पता होना चाहिए। मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि अपनी संस्कृति को ना भूलें। आप लोगों को आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़े, लेकिन अपनी संस्कृति को ना छोड़े। उनमें जितना ज्यादा आप अपनी संस्कृति में घुसोगे, अपने सनातन धर्म को पूछोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मैं अपने यंगस्टर से यही कहना चाहूंगी। जी, बोले आपका नाम? मेरा नाम गगन है सर। कहाँ से आ रहे हैं सर? दिल्ली से। तो जल कहाँ से भी आप भरा? हरिद्वार से सर। कहाँ जाएंगे? हाँ जी, कहाँ पर जाएंगे? जल लेकर दिल्ली करोल बाग। कौन सी कावड़ है आपकी? सर मेरी कल से है, कल से, कलस वाली। हाँ जी। पहली बार चढ़ा रहे कि नहीं? सर मेरी 7वीं कावड़ है। 7वीं कावड़? हाँ जी। 2 साल कोरोना काल में बंद रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा आपकी तरफ महसूस हो रहा? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा। अपने शिव भक्त आए पड़े हैं, बहुत अच्छी सेवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा सर। अच्छा गगन, मेरा सवाल आपसे है, आपने जिसे हमारे भगवान होते हैं भगवान शंकर, उनकी तरह आपने जटाई कर रखी है। हाँ जी। लंबी लंबी जटाई है आपकी, तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली इतने लंबे बाल और जटा रखने की? सर भोलेनाथ से। तो साधु संत और महात्मा रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। या फिर भगवान रखते हैं? तो ये कैसे किया? सर भोलेनाथ से मिली है बस, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए सर। कोई खास इसमें विशेषता? विशेषता कुछ नहीं है सर, बस बाल बढ़ा रखे थे, पूजा के छुड़वा रखे थे। हाँ। 7 साल से कटवाए नहीं थे। हाँ। तो फिर एंड में आके ऐसे करवा लिए बस। अच्छा लगता है? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। संदेश देना चाहते हैं आप युवाओं को? सर मैं यही अपने सनातन धर्म की वो करो, उसकी रक्षा करो, और अपने जितना हो सके अपना प्यार बांटो दुनिया में, और कुछ नहीं सर बस। तो क्या हमारा युवा, जैसे आपने बाल रखे हैं, बहुत से भोलों को मैंने देखा है चटाई रखते हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या युवा हमारा सनातन धर्म की ओर लौट रहा है पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर? बिल्कुल सर, बिल्कुल लौट रहा है। क्या कहना चाहते हैं नवयुवकों के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना हो सके भक्ति में अपना सनातन धर्म में विश्वास रखो। कैसा महसूस देता है? सर बहुत अच्छा महसूस देता है मेरे को, तो बहुत अच्छा। मेरे तो सब कुछ ही भगवान के उसमें ही है, मेरा तो कुछ किसी को कुछ मानता ही नहीं, सब कुछ उनके नाम ही कर रखा है मैंने तो सर। कोई परेशानी होती है? सर कोई परेशानी नहीं है, भोलेनाथ है ना अपने, आपको कोई परेशानी क्या?